क्या लगता है मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहूँ? आपको क्या लगता है मैं आपको किस लिए सुनना चाहूंगा? इस दुनिया के टफ से टफ बंदे भी जिंदगी से मार खा जाते हैं। आपने तो बोला था ये आसान होगा, ये कितना आसान था। वाओ, मुझे डर क्यों लगता है? मैं सफल हूं, मैं आप जानते हैं मेरा कठिन समय आया था, पर मैंने वापसी की। पर मैं डरा हुआ क्यों हूं? किस बात का डर है मुझे? मतलब मुझे बस इसी बात का डर लगा रहता है कि शायद कोई सोचे कि मैं कायर या डरपोक हूं या कुछ ऐसा। मुझे इन चीजों का इतना डर क्यों है? हमें यह समझने की जरूरत है, इस चीज का बड़ा ही गलत अर्थ निकाला गया है और गलत समझा गया है। अलग अलग आयामों में, चाहे ये डर हो या प्रेम हो या गुस्सा हो या आनंद हो, हमें समझना होगा कि ये किसी दूसरी चीज की बात नहीं है, ये अपने आप होता है। ऐसा नहीं है कि आपके डरने के लिए कुछ होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्यार में होने के लिए कोई दूसरा इंसान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेकर ही खुश होते हैं या किसी चीज को लेकर दुखी होते हैं। आप बस ऐसे ही दुखी रह सकते हैं। हेलो, इसके लिए या बस ऐसे ही खुश रह सकते हैं। आप बस यूं ही यहां बैठे बैठे अपने आप में प्रेममय हो सकते हैं, या आप यहां बैठे बैठे बिना किसी कारण दहशत में रह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम आउटसाइड, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन। इंसान का अनुभव बाहर नहीं बनता, इंसान का अनुभव उसके अंदर से होता है। तो जो चीज अंदर से होती है उसे कभी कभार कोई बाहरी मदद मिल सकती है, पर आप इसे बिना किसी बाहरी मदद के भी पैदा कर सकते हैं। हेलो, आप सारे लोग इसमें एक्सपर्ट्स हैं, है ना? बिना किसी बाहरी मदद के भी आप पीड़ा पैदा कर सकते हैं, आप खुशी पैदा कर सकते हैं, दुख पैदा कर सकते हैं, प्यार, गुस्सा, डर, जो भी आप चाहें, क्योंकि आपके अनुभव की सीट आपके अंदर होती है। बस इतना है कि आप उसके ऊपर बैठे नहीं हैं, आप उसके आसपास रेंग रहे हैं। आपको वहां सीट के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए था। अगर आप अपने अनुभव की सीट पर बैठे होते हैं तो आप तय करेंगे कि आपका अनुभव किस तरह का होना चाहिए। अभी क्योंकि आप यहां वहां रेंग रहे हैं तो कुछ भी इत्तेफाक से हो जाता है और हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि इस बंदे की वजह से मैं परेशानी में हूं। अगर वो वहां ना भी हुआ तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। अगर वो बंदा वहां नहीं है तो हम किसी और चीज को ढूंढ लेंगे। अगर वो नहीं है तो किसी और चीज को ढूंढ लेंगे। तो ये किसी चीज की बात नहीं है, बात ये है कि आपने अपने अनुभव की सीट का चार्ज अपने हाथ में नहीं लिया है। इतनी सी बात है, आपको बस एक बहाना चाहिए होता है। और जाहिर है दुनिया तो आपको बहाने उपलब्ध कराने के लिए बड़ी उतावली रहती है। वो कराएगी, लोग आपको ढेर सारे बहाने देंगे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिएगा, अगर आप रेगिस्तान में अकेले भी हों तब भी आप इन चीज़ों से होकर गुजरेंगे, जहां आपके आसपास कोई नहीं है, आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। हाँ या ना? तो यही जीवन की बुनियादी गलती है। अपने आप को फिक्स करने के बजाय मैं पूरी दुनिया को फिक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे जो मर्जी आए करके देखिए, आप अपनी जिंदगी में दूसरे किसी एक व्यक्ति को भी पूरी तरह फिक्स नहीं कर सकते 100%। क्या आपको कभी भी कोई 100% वैसा मिला है जैसा आप चाहते हैं? अगर कहीं आप उस तरह की सफलता चाह रहे हैं 100% वाली, तो आप केवल इस वाले बंदे के साथ कोशिश कर सकते हैं। किसी भी दूसरे के साथ कोशिश करके देखिएगा, आप फेल ही होंगे। हाँ या ना? हेलो,
किसी को भी ट्राई करके देखे, आप पक्का ही फेल होंगे। केवल एक ये है, ये वाला, इसे आप 100% वैसा रख सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप इसे वैसा मैनेज कर लें जैसा आप चाहते हैं, तो डर का, दुख, पीड़ा, इन सब का सवाल ही कहां उठता है। ये चीज हालातों की वजह से नहीं है, ये उस हालत की वजह से है जिसमें हम हैं, क्योंकि कोई निवेश नहीं किया गया है इस वाले जीव पर। सबसे पहले तो हमें यह तय करना होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं या हम ह्यूमन क्रीचर्स हैं। एक क्रीचर या प्राणी और एक बीइंग में अंतर यह है, एक प्राणी उसके आसपास की चीजों को लेकर उसकी मजबूरी भरी प्रतिक्रियाओं का एक नतीजा होता है, वो एक क्रीचर होता है। एक बीइंग होना यानी आपको पता है कि होना कैसे है। अगर आप जानते कि कैसे होना है, तो आप परमानंदित होते या फिर आप खुद को डरा हुआ, दुखी या ऐसा कुछ बनाते? आप क्या चुनेंगे? आपको चुनना है, क्योंकि मैं अभी आपको यहां आशीर्वाद दूंगा। पक्का आप अपने लिए सबसे ऊंचे लेवल की खुशी चुनेंगे, है ना? आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं उसमें शायद कोई सोच विचार हो, पर आप अपने लिए क्या चाहते हैं वो बिल्कुल साफ है, सबसे ऊंचे लेवल की खुशी। इतनी आसान सी चीज क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमने आपको बड़ी जटिल मशीन दी है, पर आपने उसका यूजर मैनुअल तक पढ़ने की तकलीफ नहीं ली है। ऐसे ही जैसे तैसे आप इसको चलाना चाह रहे हैं। ये इतनी जटिल मशीन है, अगर आप इसको बस कैसे भी इत्तेफाक से चलाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत पीड़ा देगी। तो डर किसी चीज का नहीं है, डर बस आपके अपने विचारों को मैनेज न कर पाना है। वो आपसे आगे दौड़ते हुए चल रहे हैं। डर तो हमेशा उस चीज का होता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ना जी? तो इसका मतलब है कि आप उस चीज से परेशान हैं जो है ही नहीं। अगर आप उस चीज से पीड़ित हैं जो है ही नहीं, तो मेडिकल लाइन में इसके लिए बड़े बुरे बुरे शब्द हैं। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, असल में मानव जनसंख्या का 99% इसी हालत में है। लेवल शायद अलग अलग हों, लेकिन इंसानों की जनसंख्या का 99% इसी स्थिति में है। वो उन चीजों से पीड़ित हैं जो हैं ही नहीं। 10 साल पहले जो हुआ था वो अब भी उससे परेशान है, जो परसों हो सकता है उसको लेकर वो अभी से परेशान है। 10 साल पहले जो हुआ था उसका अभी अस्तित्व नहीं है, जो परसों हो सकता है उसका भी अस्तित्व नहीं है, पर वो उन चीजों से परेशान है जो है ही नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी दो मुख्य क्षमताएं जो आपके पास होती हैं, जो स्पष्ट रूप से आपको दूसरे प्राणियों से अलग बनाती हैं, वो ये हैं कि आप में यादों का एक बड़ा जीता जागता बोध है और आपकी कल्पना करने की क्षमता अद्भुत है। ये दो वो क्षमताएं हैं जो आपकी सबसे बेहतरीन चीजें हैं। ज्यादातर इंसान इन्हीं दोनों से पीड़ित हैं। लोग अपनी यादों से परेशान हैं और अपनी कल्पनाओं से परेशान हैं। ये आपके सबसे बेहतरीन टूल्स हैं। तो जो सबसे ज्यादा खुशहाल होने चाहिए थे, जब मैं कहता हूं खुशहाल, आप लोग चार्ल्स डार्विन नाम के बंदे को जानते हैं ना? हेलो, उन्होंने बताया आप सारे बंदर थे, मैंने नहीं, उन्होंने, कि आप सब बंदर थे और फिर इंसान बने। तो असल में इस धरती पर आप क्रमिक विकास के शिखर हैं। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? तो अगर आप क्रमिक विकास के शिखर पर हैं, इसका मतलब है आप सबसे ऊंचे लेवल की क्षमताओं के साथ आए हैं। क्योंकि एक इंसान होने का मतलब इतनी सारी संभावनाओं का होना है। क्योंकि आपका जीवन किसी दूसरे प्राणी या क्रीचर की तरह फिक्स नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि किसी प्राणी की तरह फिक्स नहीं है, देखिए, दूसरे हर प्राणी के लिए प्रकृति ने 2 लाइनें खींच रखी हैं, जिसके बीच वो जीते हैं और मर जाते हैं। एक जानवर की जिंदगी इतनी आसान और बेहतर इसलिए लगती है क्योंकि उसमें कोई संभावनाएं नहीं होती हैं। तो असल में लोग अपनी संभावनाओं से ही परेशान हैं। अगर आप संभावनाओं को नष्ट कर दें,
तो आप भी बढ़िया होंगे। अगर आप चाहें तो हम आपके दिमाग का एक हिस्सा निकाल देते हैं, तब आप बिल्कुल शांति से जिएंगे। आप डर को नहीं जानेंगे, आप दुख को नहीं जानेंगे, आप चिंता नहीं जानेंगे, आप कुछ नहीं जानेंगे। Yes. हमें बस इतना करना है कि जो संभावनाएं हैं उन्हें खत्म कर देना है। संभावनाओं के साथ ही समस्याएं भी चली जाएंगी। तो अभी समस्याएं हैं वो सारी अद्भुत संभावनाएं जिनका हमें निवेश किया गया है। तो इन संभावनाओं को हटाने के लिए हम या तो आपका दिमाग हटा दें या उसे विस्की में डुबो दें। दोनों तरीकों से आप ऐसा कर सकते हैं। क्षमताओं को खत्म कर दिया जाए तब आप ठीक होते हैं। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जब आपको इतनी जटिल चीज दी गई है तो आपको अपनी इस मशीन के स्वभाव को जानने के लिए थोड़ा सा समय खर्च करना होगा जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यहां कुछ लोग हैं जो ये कैमरे हैंडल कर रहे हैं। ये कोई अंतरिक्ष यान नहीं है, ये एक सरल सी मशीन है। पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इन लोगों ने इसे सबसे बढ़िया तरीके से जानने के लिए सालों लगाए होंगे। जरा आप में से कोई जाकर इसे चलाइए और देखिए इससे क्या होता है। एक कैमरे जैसी सरल सी मशीन को देखिए। हाँ या ना, किसी ने अपना जीवन निवेश किया है। जितना बढ़िया वो इसे जानेंगे उतना ही बढ़िया वो इसे चलाएंगे, है कि नहीं? जी। तो इसके साथ ये बात सही क्यों नहीं है? जितना बेहतर आप इसे जानेंगे उतना ही बेहतर आप इसे चला पाएंगे, है ना? तो अगर आप इसे बहुत अच्छे से जान लें तब लोग कहते हैं आप आत्मज्ञानी हैं।